जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है अपने चुमैथ मात्रा 12 पर। आज के क्लास में हम लोग नल और टंकी से संबंधित क्वेश्चन करने का कोशिश करेंगे और वो क्वेश्चन करने का कोशिश करेंगे जो बार बार क्वेश्चन करता है और इस टाइप का क्वेश्चन करता है कि जब नल का 2/5 भाग भरा हो, जब नल का 1/3 भाग भरा जाए, जब नल का पूरा हिस्सा इतना भाग भरा हुआ है तो कितना भाग खाली है, यानी कि नल का भरने वाला और गिराने वाला बातें तो हम लोग समझ में आ जा रहा है, लेकिन जब यही वाला बात जो भाग भाग में करना आरम्भ कर देता है, जब भाग भाग में पूछता है कि कोई नल इतना भाग भरता है तो बचा हुआ भाग याद कीजिए, चाहे इतना समय में इतना लीटर पानी भर देता है तो और शेष कितना लीटर भरने में कितना भाग भाग लगेगा, इस प्रकार का क्वेश्चन आज हम लोग करेंगे और नल और टंकी से पूरा पूरा आधारित रहेगा। तो आज का सेशन में आप लोग थोड़ा सा देखिएगा और ये कोशिश कीजिएगा और ये जानने का कोशिश किया जाए कि जब भी हमको क्वेश्चन में नल और टंकी यानी कि पाइप एंड सिस्टर्न का क्वेश्चन में जब भी ऐसा क्वेश्चन करेगा तो उसको बनाया कैसे जाता है, ठीक है। तो आज का पूरा सेशन हम लोग का रहता रहेगा कि ये व्यक्ति द्वारा या कोई नल द्वारा कितना समय में शेष भाग को भरा जा सकता है, चाहे भरा गया भाग बराबर, ठीक है। तो आज का सेशन का सबसे पहला नंबर क्वेश्चन जो आप लोग स्क्रीन पर है, क्वेश्चन को थोड़ा सा देखिएगा, क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि यदि किसी टैंक का 1/3 भाग भरा हुआ है, ठीक है, यदि किसी टैंक का 1/3 भाग भरे होने पर, यानी कि कोई भी टंकी चाहे दुनिया का कोई भी टंकी हो, जब भी अपना आप में भर जाए, जब भी ये पूरा पूरा टंकी भर जाए तो ये अपना आप में एक भाग भरेगा, कोई भी दुनिया का टंकी हो और दुनिया का कोई भी टंकी को जो भरने के बातें कहा जाएगा तो ये अपने आप में 1 लीटर भरेगा और उसी भाग में से कुछ भाग खाली रहता है तो कुछ भाग भरने के लिए और ऊपर से रहता है, लेकिन जब भी भाग में बातें करना आरंभ कर दे, जब भी टंकी को भरने में भाग में बात करना आरंभ कर दे तो वो भाग अपने आप में यानी कि पूरा भाग भरने में, टंकी का पूरा भाग भरने में 1 लीटर पानी लगेगा, चाहे कोई भी भाग अपने आप में कुल एक भाग रहता है। तो प्रश्न में कह रहा है यदि किसी टैंक का 1/3 भाग भरे होने पर, यानी कि 1/3 भाग भरे होने पर 80 लीटर पानी आता है, जब टंकी पूरा ना भरा हो, केवल 1/3 भाग ही भरा हो, यानी कि पूरा हिस्सा का 1/3 भाग ही भरा जाए तो टंकी में 80 लीटर पानी आता है, यानी कि टंकी को जब 1/3 भाग भरे होने पर टंकी में 80 लीटर पानी आता है तो उसके आधा भाग भरे होने पर, यानी कि उसका आधा भाग भरे होने पर कितना पानी आएगा। तो पहले बात को समझा जाए, कभी भी भाग भाग में पूछेगा, कभी भी नल और टंकी के क्वेश्चन में भाग भाग वाला बातें पूछेगा, जैसे ये वाला बातें कह रहा है कि 1/3 भाग जब भरा गया है ना तो 80 लीटर पानी अट रहा है, ठीक है। और जब भी दुनिया का कोई भी टंकी हो, दुनिया का कोई भी टैंक हो, जब उसमें भाग भाग में भरना आरम्भ कर देता है तो पूरा टैंक में भाग पानी होता है अपने आँख में 1 लीटर। तो देखिए ना, जब 1/3 भाग का वैल्यू बराबर 80 लीटर है, यानी किसी भी टंकी का 1/3 भाग जो पानी भरा जाएगा तो उसमें 80 लीटर पानी अटता है, तो इसके हिसाब से एक भाग यानी कि पूरा भाग में जब पूरा टंकी भरेगा तो कितना लीटर पानी अटेगा, तो 80 × 3 = 240 लीटर। कब, ये जब पूरा टंकी अपना आप में जब पूरा टंकी भर जाएगा, पूरा टंकी जब फुल हो जाएगा तो उसमें पानी कितना अटेगा, 240 लीटर। कहीं के ये भी बातें पूछेगा कि पूरा टंकी भरने में कितना लीटर पानी अटेगा, लेकिन हमसे एक प्रश्न में पूरा का भाग नहीं कह रहा है, अब कह रहा है कि जब इस प्रकार से भरा जाता था, जब इस क्षमता के हिसाब से भरा जाता था तो पूरा टंकी में कितना पानी, 240 लीटर पानी, लेकिन अब कह रहा है कि 240 लीटर पानी नहीं, आधा भाग ही पानी भरा हो, यानी कि 1/2 भाग भरे होने पर इसमें कितना पानी अटेगा, तो 240 × 1/2 यानी कि 120 बराबर क्या हो जाएगा, 120 लीटर। कब, जब पूरा टंकी का आधा भाग भरा हो ना, पूरा टंकी जब भरने के लिए हमको दिया गया है, लेकिन पूरा टंकी नहीं, पूरा टंकी का 1/2 भाग ही भरा हो तो इसमें कितना पानी अटेगा, तो 120 लीटर पानी अटेगा, आपका ऑप्शन हो जाएगा बी।
पहले बात को समझिएगा, जब भी हमको क्वेश्चन में कोई भी टंकी को भरने के भाग भाग में बातें करना आरंभ करता है, जब भी कोई टंकी को भाग भाग में भरने के लिए बातें करता है, तो कोई भी टंकी का भाग भाग में बात करता है तो पूरा भाग बराबर अपने आप में एक होता है, यानी एक भाग का वैल्यू बराबर, यानी कि पूरा जब टंकी भरेगा तो 240 लीटर, इसी प्रकार से हमको आधा भाग ही पनिया भरना है तो आधा भाग का वैल्यू बराबर 1/20 लीटर, ठीक है। यानी कि आपको ऑप्शन में दिया हुआ ऑप्शन नंबर बी। आइएगा क्वेश्चन नंबर अगला, इसी प्रकार से थोड़ा सा क्वेश्चन को देखा जाए। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर अगला में दिया हुआ है, थोड़ा सा क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला में कह रहा है किसी टैंक का 3/4 भाग, किसी टैंक का 3/4 भाग पानी से भरा हुआ है, किसी टैंक का 3/4 भाग पानी से भरा हुआ है, उसमें से 30 लीटर पानी निकाल दिया जाए, उसमें से 30 लीटर पानी निकाल दिया जाए तो टैंकी खाली हो जाती है। यानी कि पहले से हमारे पास जितना भी भाग में पानी भरा हुआ था, अब पूरा भगवा को गिरा दे रहे हैं तो लीटर के हिसाब से 30 लीटर पानी बाहर निकलता है, और जब ही 30 लीटर पानी बाहर निकल जाता है तो पूरा टंकी खाली हो जाता है। तो अब कह रहा है कि टंकी की धारिता ज्ञात कीजिए। थोड़ा सा बात को समझिएगा, पहले से हमारे पास टंकी, जैसे कोई भी टंकी अगर बनाया गया होगा तो पहले से टंकी अगर यहाँ से यहां तक पूरा भरा हुआ है तो टंकी पूरा भरा हुआ है, यानी कि इस प्रकार से टंकी हमारे पास है। और टंकी का धारिता, जब पूरा टंकी यहां से यहां तक भरा हुआ है तो पूरा टंकी भरा हुआ है, लेकिन प्रश्न में कह रहा है कि टंकी का 3/4 भाग ही भरा हुआ है, ठीक है। तो 3/4 भाग भरा हुआ है, अब बाकी सब खाली है, बाकी में पानी नहीं है, 3/4 भाग पानी भरने के बाद बाकी सब खाली है। अब हम पानी गिराना आरंभ कर दिए, भरा हुआ है लेकिन अब हम इसका पानी गिराना आरंभ कर दिए। तो पानी गिराते गिराते जब ही 30 लीटर पानी हम गिराए ना, जब ही हम टंकिया में से 30 लीटर पानी गिराए ना, तो पूरा टंकी खाली हो गया। तो पूरा टंकी खाली हो गया, तब पूछ रहा है तो बताइए कि टंकी की धारिता क्या होगा, यानी कि टंकी पूरा भाग भरा होता तो कितना लीटर पानी भरा होता, ठीक है। तो इस प्रकार के प्रश्न को अगर हम ऐसे कह सकते हैं क्या कि 3/4 भाग पहले से भरा हुआ था तो अभी ना 30 लीटर पानी आता था, पहले से 3/4 भरा हुआ था तो अभी ना 30 लीटर पानी भरा हुआ था, क्यों? क्योंकि जब इतना भाग तो पहले से हमारे पास भरा हुआ था, गिरा दिया गया तो गिरते गिरते 30 लीटर पानी उसमें से गिरा तो पूरा खाली कर दिया, यानी कितना भरबे किया था, 30 लीटर पानी गिरा तो पूरा खाली हो गया। तो है भागवा का वैल्यू बराबर 30 लीटर ना, फिर से बात को समझिएगा, यही भाग का वैल्यू बराबर 30 लीटर ना। तो हमसे पूछ रहा है कि पूरा धारिता ज्ञात कीजिए ना, कि पूरा टंकी में जब पानी हम लोग भरेंगे, पूरा टंकी को फुल कर देंगे तो कितना पानी हटेगा, तो 30 का 4/3 हाई से हाई कट जाएगा, यानी कि पूरा जब टंकी भरा जाएगा ना इसमें तो 40 लीटर पानी हटेगा, ठीक है। तो 40 लीटर पानी हटेगा, यही आपको ऑप्शन में दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी। बात को समझिएगा, भरने वाला का आंकड़ा दिया है और खाली करने का आंकड़ा दिया है, तो जितना हमारे पास पानी भरा होगा, जितना टंकी में पानी भरा होगा वही न पनिया जाके खाली होगा, और जितना खाली करते 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 हमारे पास 30 लीटर पानी खाली किया रहे ना, तो पूरा टंकी खाली हो गया, ठीक है। यानी कि ऑप्शन हो जाएगा सी। आइएगा क्वेश्चन नंबर अगला देखा जाए। क्वेश्चन नंबर अगला जो आप लोग स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर अगला यानी कि क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर अगला भी क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा बहुत अच्छा बातें कह रहा है। अब कह रहा है कि कोई बर्तन है, अब कह रहा है कि जल से भरे पूरे बर्तन का वजन, यानी कि जल से भरे पूरे बर्तन
का वजन 16.5 kg है, यानी कि 16.5 kg है। जब बर्तन 1/4 भाग भारा हो, जब बर्तन 1/4 भाग भारा हो तो उसका वजन 5.25 kg हो जाता है, चाहे 5.25 है। अब कह रहा है कि खाली बर्तन का वजन क्या होगा, जब खाली बर्तन पूरा पानी से खाली कर दिया जाए और तब उसका वजन किया जाए तो खाली बर्तन का वजन क्या होगा। तो पहले बात को समझिएगा, जब बर्तन में इसे कर सकते हैं कि बर्तन में जितना पानी अटेगा, यानी कि बर्तन प्लस पानी, यानी कि पूरा पानी, जितना भी पानी भरा हुआ था बर्तन तथा पूरा पानी का जो वजन है 16.5 kg है। बर्तन आता था पूरा पानी का जो वजन है 16.5 kg है। पूरा बर्तन कहने का मतलब, पूरा पानी कहने का मतलब क्या है कि जब बर्तन के साथ साथ पूरा पानी फुल है ना, और जब उसको हम तराजू पर रख कर तौल रहे हैं तो बर्तन और प्लस पानी का वेट बराबर 16.5 kg है। तो अब बताइए, यही बर्तन में अब जो पानी है ना 1/4 भाग भरा हुआ है, तो अब हमारे पास, थोड़ा सा बात को समझिएगा, ऐसा कोई बर्तन है तो बर्तन में हम पूरा पानी भरे, चाहे आधा पानी भरे, चाहे 1/3 भाग भरे, चाहे 1/4 भाग भरे, बर्तन का जो वजन होगा फुल होखेगा तो वही वजन होगा, केवल बर्तन का जो वजन होगा पूरा पानी से भरा होगा तब बर्तन का वजन उतना ही होगा, आ पूरा आधा भाग बर्तन भरा होगा तब बर्तन का वजन उतना ही होगा, क्योंकि बर्तन का वजन जो पहले था वही बर्तन का वजन आजो रहेगा। अगर बर्तन पूरा फुल था तो वजन पूरा 16.5 kg था, आ 1/4 भाग भी भारा होगा, आ 1/4 भाग भी भारा होगा तो बर्तन का वजन अब बदलेगा का, यानी कि बर्तन का वजन जो पहले था वह भी आजो रहेगा। तो दूसरा पॉइंट में कह रहा है कि जब बर्तन का 1/4 भाग भारा हो, जब बर्तन का 1/4 भाग भारा हो तो इसका वजन 5.25 हो जाता है। तो अब देखिए, बर्तन आप प्लस 1/4 भाग पानी, 1/4 भाग पानी का वजन 5.25 kg है। पहले बात को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हमारे पास पहले जितना बर्तन का वजन होगा उतना ही बर्तन का वजन आजो न होगा, जितना बर्तन का पहले वजन होगा उतना ही वजन आजो होगा, लेकिन पानी कम भरा है, पहले का अपेक्षा पानी कम भरा है, तो खाली पानिए का ना वजन परिवर्तन होगा, बाकी तो है बर्तन जो यहाँ है वही बर्तन यहाँ है, ठीक है। तो अब देखिए, अब हम क्या करेंगे कि इस बर्तन को पूरा, हम इस पानी को पूरा फुल करने का प्रयत्न करेंगे कि पानी पूरा फुल हो जाए, तो फुल करने के लिए क्या करेंगे ना कि 4 LCM ले लेंगे, इसका 4 LCM ले लेंगे तो हो जाएगा 4 बर्तन, यानी कि 1 बर्तन का जितना वैल्यू था उसी के बराबर 4 बर्तन का वैल्यू हो गया, हो गया पानी बराबर हो गया 5.25। ऑलरेडी हमको एगो समीकरण मिला हुआ था कि बर्तन प्लस पानी का वैल्यू बराबर 16.5 kg, आ तब हमको बर्तन प्लस 1/4 भाग पानी का। अब देखिए, 4 बर्तन प्लस पानी का वैल्यू बराबर, जब इसका हम लोग गुना कराएंगे तो हो जाएगा 21 kg, ठीक है। जब हम ये वाला चारवा जाके 5.25 में गुना होगा तो हो जाएगा 21 kg, यही हो जाएगा समीकरण 2। अब हमारे पास समीकरण 1 और समीकरण 2 से है, देखे ना, है पानी खत्म, ठीक है, है पानी खत्म। बचा क्या है, बर्तन में से 4 गो बर्तन घटेगा तो 3 गो बर्तन बचेगा, तो 3 बर्तन का वैल्यू बराबर, यानी कि 3 बर्तन का वजन बराबर, जब इसमें से इसको घटा देंगे तो 4.5 kg, 3 बर्तन का वैल्यू बराबर, लेकिन हमसे 3 बर्तन का नहीं, अब कह रहे यह बर्तन को खाली कर दिया जाए और जब तराजू पर रखा जाए तो इसका वेट क्या होगा, तो पूरा एक बर्तन का वैल्यू बराबर 4.5/3 कट जाएगा 1.5
केजी, यानी कि ये जो खाली बर्तन होगा ना, यही खाली बर्तन का जब वजन किया जाएगा तो 1.5 केजी होगा, यानी कि 1.5 केजी का बर्तन था। अब बाकी ऊपर से पानी को वो कम कर रहे थे, को वो ज़्यादा कर रहे थे, लेकिन इसके सापेक्ष में बर्तन का वजन जितना पहले भी था उतना आजो रहेगा, पानी फुल भरा रहेगा तो वो बर्तन 1.5 किलो का, आधा भरा रहेगा तो वो बर्तन का वेट 1.5 केजी का, ठीक है। तो 1.5 केजी आपको ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए। आइएगा अगला नंबर में, क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर अगला में कह रहा है कि एक टंकी नल द्वारा 12 घंटा में, और जबकि दूसरा नल द्वारा 8 घंटा में भरी जा सकती है। एक टंकी है, उसमें दो गो नल लगाया गया है, और पहलका नल द्वारा जब भरा जाता है तो वही टंकी 12 घंटा में भर जाता है, और जब दूसरका प्रकार के नल से भरा जाता है तो वही टंकी 8 घंटा में भर जाता है। तो अब प्रश्न में कह रहा है कि दोनों को एक साथ खोल दिया जाता है, दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है, और एक साथ खोलने के बाद 2.5 घंटा के बाद जब हम दोनों नलों को एक साथ खोल देते हैं तो 2.1/2 घंटा के बाद तक खुला रखा जाता है, तो टंकी का भरा हुआ भाग ज्ञात कीजिए, यानी कि 2.5 घंटा में टंकी कितना भाग भर गया है ये हमको बताना होगा। आइए पहले क्वेश्चन को देखा जाए, तो सबसे पहले निर्धारित करेंगे ना कि इस टंकी का धारिता कितना है, किसमें रेशियो के हिसाब से, कि जब टंकी के धारिता कितना है, कि टंकी में पूरा पानी जब भरा जाएगा तो कितना पानी भरा जाएगा। देखिए ना, हाई नल ए हो गया, जब इसको खोला जाता था तो 12 घंटा भर देता था, और नल बी को खोला जाता था तो 8 घंटा में भर देता था, ठीक है। हमारे पास समय पता चल गया है, समय पता दिया हुआ है, 12 घंटा है 8 घंटा, तो किसी तरह से ना हम लोग क्षमता निकालेंगे नल का, अच्छा है व्यक्ति का, सबसे पहले क्षमता निकालेंगे कि क्षमता बताइए कि इसका क्षमता कितना है और इसका क्षमता कितना है। तो क्षमता निकालने के लिए क्या करेंगे, दो गो रहेगा तो बारी बारी से दोनों को पलट देंगे, और पलटने के बाद कटाएंगे ये 2 बार में और ये 3 बार में, ये भी भरने वाला, ये भी भरने वाला, तो भरने वाला को प्लस से इंडिकेट करते हैं, नल और टंकी में भरने वालों को प्लस से, आ खाली करने वालों को माइनस से, ठीक है। तो अब देखिए इसके प्रकार से, नल ए का क्षमता है कि 1 घंटा में 2 लीटर, नल ए का क्षमता है कि जब भी टंकी को भरेगा ना, नल ए जब भी टंकी को भरेगा ना तो 1 घंटा में 2 लीटर, और जबकि नल उसी टंकी को भरेगा तो 1 घंटा में 3 लीटर पानी भरेगा, तो क्षमता सबसे ज़्यादा बीए का ना है। तब देखिए जो टंकी है भर रहा है, वही टंकी है वो भर रहा है, तो कुल टंकी का धारिता कितना होगा, तो कुल टंकी का धारिता होगा 24। इस प्रकार से जब अलग अलग भी भर रहे थे तो हयो 24 लीटर भर रहा था, हयो 24 लीटर भर रहा था, हयो 24, हयो 24, इसीलिए ना इसका भी धारिता 24, इसका भी धारिता 24, तो पूरा टंकी के धारिता कितना है 24। अब हम क्या कह रहे हैं प्रश्न में कि दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है, तो दोनों नल का क्षमता है कि जब ही दोनों नल एक साथ चलेगा तो 2 लीटर भरेगा, तो 3 लीटर भरेगा, और दोनों एक साथ चलेगा तो 1 घंटा में 5 लीटर पानी भरेगा का, ठीक है। तो हर घंटा में पाँच लीटर भर के आ 2.1/2 घंटा तक चल रहा है, यानी कि 2.1/2 घंटा तक चल रहा है, तो क्या हो जाएगा, 5×5/2 = 25/2 लीटर पानी भर दिया, 25/2 लीटर पानी भर दिया, लेकिन भरना कितना था, 24 लीटर पानी भरना था। तो अप्रश्न में कह रहा है ना कि इसके द्वारा भरा गया भाग बराबर, यानी कि भाग में ये दोनों नल मिलकर उस टंकी का कितना भाग भरा है, तो भाग बराबर यानी कि 25/2 लीटर पानी भरा है, कितना लीटर में से, 24 लीटर में से, आ तो भैया बटा में रहने कारण पलटेगा तो 25/24 भाग, 24 दुनी का 48 भाग,
25 बटा में 48 भाग, यही हो जाएगा आंसर। यानी कि टंकी का भरा हुआ भाग बराबर 25 बटा में 48, क्योंकि हॉई वाला बट्टा में जाने के कारण ऊपर जाकर पलटेगा तो 24 दुनिया 48 हो जाएगा, 25 ज्यों का त्यों रहेगा। तो 25 बटा 48 आपका ऑप्शन में दिया, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन को देखिएगा आप लोग, क्वेश्चन को अपने अनुसार मिला भी लीजिएगा कि क्या ये बातें कह रहा था। आइए क्वेश्चन नंबर अगला, आज का नल और टंकी का पूरा हम लोग का क्वेश्चन भाग पर आधारित है कि किसी भी नल द्वारा टंकी का भरा गया भाग, चाहे टंकी में से छोड़ा गया भाग, चाहे शेष भाग को भरने में लिया गया समय, चाहे शेष भाग को भरने में कितना लीटर पानी भरा जाएगा, इस प्रकार का प्रश्न हम लोग का आज का सेशन में पूरा का पूरा रहेगा। तो आज का सेशन का आप लोग देखिएगा, अगला क्वेश्चन को देखा जाए। क्वेश्चन नंबर अगला में कह रहा है कि एक टैंक के 1/4 भाग भरे होने पर, एक टैंक के 1/4 भाग भरे होने पर उसमें 135 लीटर पानी आता है। ठीक है, इधर 1/4 भाग भरा हुआ है तो लीटर के हिसाब से 135 लीटर पानी आता है, तो उसमें 80 लीटर पानी हो तो उसका कौन सा भाग भरा होगा। अब प्रश्न में कह रहा है कि जब, फिर से बात को देखिएगा, अब प्रश्न में कह रहा है कि जब 1/4 भाग पानी भरा हुआ है तो उसमें 135 लीटर पानी अटता है, वही टंकिया में 80 लीटर पानी आएगा, 80 लीटर पानी भरा जाएगा, तो उसका भरा गया भाग ज्ञात कीजिए। ठीक है, थोड़ा सा बात को समझिएगा और क्वेश्चन जो आप लोग के पास है क्वेश्चन वही थोड़ा देखने की कोशिश कीजिएगा। तो आइए ना, सिंपल सा बात है, हमारे पास टंकी में भरा गया भाग 1/4 भाग था, यानी कि 1/4 भाग भरा गया है ना, तो अंक में 135 लीटर पानी अट रहा है। थोड़ा सा बात को समझिएगा, जब 1/4 भाग पानी भरा होता है टंकी में धारिता के हिसाब से, यानी कि ऐसा कोई टैंक है, ऐसा कोई टैंक है, इसमें पहले से 1/4 भाग भरा हुआ है, यही 1/4 भाग तो भाग में ना, लेकिन अंक में भरा हुआ है तो 135 लीटर पानी भरा हुआ है, तो एक भाग का वैल्यू बराबर 135 अगुने 4 का हो जाएगा, ई हो जाएगा 20। ठीक है, हाई हो जाएगा 12 और 2 14 आ फिर हो जाएगा 14 आ फिर हो जाएगा 4, यानी कि 540 लीटर पानी जब पूरा टंकिया भरा जाएगा ना, जब पूरा टंकिया भर दिया जाए ना, तो 540 लीटर पानी अटेगा। लेकिन हमसे प्रश्न में कह रहा है कि पूरा टंकी को नहीं भरना है, खाली टंकी को 180 लीटर पानी भरना है, आ 180 लीटर पानी भरा जाएगा तो भाग में कितना भरा हुआ रहेगा। तो ऐसे कह सकते हैं क्या कि जो टंकी का धारिता है कि 540 लीटर पानी भरा जाएगा तो पूरा भर जाएगा, लेकिन 540 लीटर ना भर के 180 लीटर भरा गया है। फिर से बात को समझिएगा, 540 लीटर पानी ना भरकर 180 लीटर पानी भरा गया है, कितना लीटर में से, तो 540 लीटर में से 0 से 0 हाई कट जाएगा 18 54 1/3 भाग। ठीक है, तो 1/3 भाग आपका आंसर हो जाएगा, 1/3 भाग इस हिसाब से, यानी कि जब 180 लीटर पानी भरा जाएगा तब भाग में कितना भरा हुआ मिलेगा, जब 1/4 भाग का वैल्यू बराबर 35 तो 180 लीटर के भाग बराबर कितना, यही तो पूछ रहा है प्रश्न में। आएगा क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर अगला में दिया हुआ है, किसी टैंक का 350 लीटर पानी भरा है, किसी टैंक में 350 लीटर पानी भरा है, यदि टैंक 3/10 भाग खाली हो, यदि टैंक 3/10 भाग खाली हो तो पूरा भरने के लिए और कितना पानी डालना होगा, पूरा भरने के लिए और कितना पानी डालना होगा, और कितना पानी डालना होगा। थोड़ा सा बात को ध्यान दीजिएगा, तो अब हमारे पास टंकी 3/10 भाग खाली है, अब देखिए 3/10 भाग खाली है, खाली का आंकड़ा दिया है, आ जो अंक दिया है ना,
जो लीटर में जो अंक दिया है भरने वाला का दिया है, तो हम क्या करेंगे, एक में से 3/10 भाग खाली है तो भाड़ा कितना है, 10/7 भाग भाड़ा है। यही 10/7 भाग भाड़ा होने के वैल्यू बराबर हमको दिया है 350 लीटर, 350 लीटर, और तब दिया है एक भाग का वैल्यू बराबर 350 × 10/7 है, 7×5 = 35, 50 यानी कि 500 लीटर। पहले देखिएगा, हमारे पास टंकी में पूरा जब पानी हटेगा ना, तो 350 लीटर पानी से पूरा टैंक भर जाएगा, तो 350 लीटर से पूरा टैंक भर जाएगा। लेकिन हमको प्रश्न में कह रहा है कि जब 500 लीटर में पूरा टैंक भर जाएगा, तो अप्रश्न में कह रहा है कि पानी और कितना डालना पड़ेगा पूरा भरने के लिए, जो कि पहले से हमारे पास 350 लीटर पानी भरा है, तो ऊपर से भर जाने वाला भाग बराबर भाग बराबर, तो 500 लीटर का टंकी है जिसमें से 350 लीटर पहले ही से भरा है, तो और ऊपर से कितना भरना पड़ेगा, तो 150 लीटर भरना पड़ेगा, यही आंसर हो जाएगा। यानी कि ऊपर से जो पानी हमको डाला जाना है, ऊपर से डाला गया पानी बराबर 150 लीटर, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज का सेशन हम लोग का पूरा भाग पर आधारित रहा कि नल और टंकी में भाग पर आधारित अगर क्वेश्चन करेगा कि इतना भाग पानी भर दिया जाए, चाहे इतना भाग पानी भरा होने के कारण, इस प्रकार का जब क्वेश्चन करेगा तब हम लोग कैसे बनाएंगे। तो आज का सेशन में इतना ही रहने दिए जाए। इसी प्रकार से प्रतिदिन अलग अलग प्रकार का क्वेश्चन, भाग से आधारित या दो गो नल खोलने के बाद खाली हुआ भाग बराबर, इस प्रकार का प्रश्न हम फिर अगला क्लास में लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।